हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वह प्रॉफिट लॉस लाभ हानि पर आधारित एक क्लास है, जिसमें हम जितने भी सीजी व्यापम में आए हुए जो प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न हम देखने वाले हैं यह कहीं ना कहीं सीजी टेट में आए हुए होंगे, या हॉस्टल वार्डन में आए हैं, या पटवारी भर्ती जितनी भी व्यापम की जो परीक्षाएं होती है उसमें आए हुए जो प्रश्नों का एक संकलन है वो आपके सामने दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक मिनिमम एक ऐसा अप्रोच बताया जाएगा जिससे आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। और अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, आज की क्लास में जितनी भी प्रश्नों कराया जाएगा, आप मानकर चलिए कि व्यापम जो है आगे के अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसमें ऐसे ही प्रश्न आपके सामने पूछेगा। और ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, इससे एक प्रश्न हमेशा से पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पर अंत तक बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम में आप एक क्वेश्चन बनाकर ही आएंगे यहां से। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने दो साइकिलें प्रत्येक को 990 रुपए के दर से बेची, एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ और साथ ही साथ 10% की उसकी क्या हुई, हानि हुई। पूछता है कि भाई दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहां पर देखिए, अगर क्रय मूल्य की अगर हम बात करें, क्रय मूल्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पहले साइकिल का क्रय मूल्य क्या मान लू, क्रय मूल्य क्या मान लू, एक्स मान लू, ठीक, सीपी को क्रय मूल्य को एक्स मान लू, और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक। पहले साइकिल पर आप देखिए कि यहां पर इसे 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ, ठीक। अगर पहले साइकिल पर अगर इसे 10% का लाभ हुआ तो 10% के लाभ लेने के बाद जो बनता है वह बनता है क्या, विक्रय मूल्य। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न अनुसार जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, पहले साइकिल पर अगर 10% का लाभ हुआ तो 10% का लाभ मतलब 100 में हम 10% जोड़ देंगे, 100 में 10% जोड़ देंगे, क्लियर, बटा 100 बनेगा क्या, विक्रय मूल्य। और हर साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 990 रुपए, ठीक। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 990 मल्टीप्लाई ये 100 और 110 इधर आकर ट्रांसफर पर पलट जाएगा, क्लियर है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 900 रुपए। तो यहां पर आपको क्रय मूल्य क्या मिल गया, पहले साइकिल का 900 रुपए। वहीं अगर दूसरे साइकिल की तरफ हम बढ़े तो दूसरे साइकिल के बारे में हमें पता है कि दूसरे साइकिल क्रय मूल्य क्या माना है, हमने वाई माना है। साथ ही साथ यहां पर क्या हो रही, 10% की हानि। तो 10% की हानि का मतलब यह है कि आप 100 में क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, बटा क्या करेंगे, 100। जैसे ही आपको किसी भी वस्तु में हानि हुई मतलब वह बन गया क्या, विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है। दूसरे साइकिल को हमने क्या माना था, वाई, हानि हुई 10% की, और बेचा कितने में गया, हानि के बाद 990 रुपए में ही बेचा गया, 990 रुपए में। तो वाई का मान क्या हो जाएगा यहां पर, तो 990 × 100/90। तो यहां पर आपको मूल्य मिल जाएगा कितना, ये 0 0 कैंसल, यहां पर इसे कैंसिल किए, ये मिल गया आपको 1100 रुपए। इतना पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर आपको दो चीजें मिली, ये 900 रुपए और साथ ही साथ 1100 रुपए। पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 रुपए, और दूसरे साइकिल का 1100 रुपए। यहां पर अगर हम देखें कि कुल क्रय मूल्य, इसके अनुसार कुल क्रय मूल्य दोनों साइकिलों का हमारे पास कितना हो जाएगा, 900 रुपए प्लस 1100 रुपए। टोटल हमारे यहां पर क्रय मूल्य कितना मिल गया, 2000 रुपए क्रय मूल्य मिल गया, ठीक। तो यहां पर आपको पूछा क्या गया है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या मिल गया आपको, 2000 रुपए मिल गया। इतना पॉइंट क्लियर है क्या सभी को, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट, ठीक। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए यहां पर आपको क्या मिल गया, 2000 रुपए क्या था, साइकिल का क्रय मूल्य था। अब इस प्रश्न को बहुत शॉर्ट तरीके से आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड से आप कैसे बनाएंगे। ये तो था आपका एक बेसिक और एक लॉन्ग मेथड जिसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक। अब इसका शॉर्टकट हम लोग देखने वाले हैं और बिल्कुल आप विद इन अ सेकंड इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका शॉर्टकट मेथड भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे इजी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखिए
कंडीशन ये है कि पहला चीज आपको ये पता हो कि क्वेश्चन जो है जिसमें विक्रय मूल्य अगर आपको समान दिया गया है, ठीक है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस इक्वल है उस केस में एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि अगर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है ठीक है, या जो परसेंटेज दिया हुआ है उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे 10 अपॉन 100, जिसमें 10 का स्क्वायर आपको ले लेना है, जो भी परसेंटेज आपको दिया होगा एक्स परसेंट मान लीजिए दिया होगा उसका आपको स्क्वायर करना है और अपॉन क्या करना है 100 करना है। इस केस में याद रखिएगा हमेशा क्या होते हैं, हमें हानि होती है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे माइनस से दर्शा देंगे, ठीक है, कब के केस में, जब दोनों सामानों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक। अब यहां पर देखिए 10% क्या हुआ, यहां पर लाभ हुआ 10%, हानि हुई है, ठीक। इसमें 10% हानि में क्या हो जाएगा, यहां पर 10 का परसेंटेज का हम स्क्वायर ले लेंगे अपॉन 100 कर लेंगे और हमें क्या मिलेगा 100/100 मतलब माइनस एक परसेंट, क्लियर है। यानी कि अगर दो वस्तुओं को आपने बेचा, दो साइकिलों को बेचा 10% लाभ और 10% हानि पर, इस केस में क्या हो जाएगा -1% का क्या हो जाएगा आपको लॉस होगा, क्लियर है। कब के केस में करना है आपको, विक्रय मूल्य समान, ठीक। बस इतनी चीजें करने के बाद आपको क्या पूछा गया है, दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक। अगर मैं दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य, पहले और दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य अगर देखूं तो हमारे पास कितना होगा 990 प्लस 990, ठीक है, 990 प्लस 990 कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर 1980 रुपीज। ये क्या हो जाएगा आपका दोनों साइकिलों का कुल विक्रय मूल्य। अब इस कुल विक्रय मूल्य में आपको करना क्या है, यहां पर आपको क्या मिला है 1% की हानि मिली है, ठीक है, 1% की हानि। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो कुल क्रय मूल्य निकलेगा, कुल क्रय मूल्य बराबर 1980 विक्रय मूल्य, इसमें होने वाला लॉस कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 1% का लॉस, यानी आपको 1% का लॉस मतलब कितना हो जाएगा 100/99 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे फिर से आपको क्या मिल जाएगा यहां पर 2000 रुपए आपको क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, क्लियर है। तो आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहां पर आपको सेम प्रॉफिट सेम लॉस मिले साथ ही साथ विक्रय मूल्य समान मिले तो एक्स स्क्वायर बाई 100 आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट का हानि या लॉस मिल रहा है। डायरेक्ट कई बार आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको परसेंटेज बताना होता है तो डायरेक्ट आप इस परसेंटेज को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेटा पूछा गया था तो डेटा अकॉर्डिंग आपको क्रय मूल्य निकालना था, वरना आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि 10% अगर प्रॉफिट हुई 10% लॉस हुआ तब कितने परसेंट की हानि या लाभ हुआ, तब आप बताएंगे 1% की हानि इसमें हुई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रामू ने 2 पेन 3 पेंसिल खरीदने के बाद 1900 रुपए का भुगतान किया और 5 पेन 5 पेंसिल खरीदने के बाद 37 रुपए का भुगतान किया, तो बताना है कि 1 पेन 1 पेंसिल का रेट क्या है, ठीक। अगर हम बात करें पेन को, 1 पेन का रेट हम मान लेते हैं एक्स रुपए है, ठीक है, और 1 पेंसिल का रेट हम मान लेते हैं वाई रुपए है। अगर इस प्रकार से हम एज्यूम करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदने पर 19 रुपए का भुगतान हुआ, तो 2 पेन को हम मान लेते हैं 2x और 3 पेंसिल को मान लेते हैं 3y, क्लियर है, ठीक। और 2 पेन और 3 पेंसिल का रेट कितना हो गया 19 रुपए, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। साथ ही साथ अगर हम अगले पॉइंट को पढ़े, अगले लाइन को पढ़े तो 5 पेन 4 पेंसिल को खरीदने के बाद बोलता है, तो 5 पेन 4 पेंसिल क्योंकि पेंसिल को वाई माने हम, तो इसे खरीदने के बाद कितना रुपए होगा भाई 37 रुपए होगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है इसे ध्यान से देखिए, ठीक। अगर आप यहां पर देखें ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, इसमें 2 और 5 को हमको क्या करना पड़ेगा एक्स वालों को बराबर करना पड़ेगा तभी वाई का वैल्यू मिलेगा, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में 5 का गुणा कर देते हैं और साथ ही साथ
इक्वेशन टू में क्या गुणा कर देते हैं, दो का गुणा कर देते हैं। पांच का गुणा करने पर क्या बन जाएगा आपका, एक नया समीकरण बन जाएगा। नया समीकरण क्या बनेगा आपके पास, टेन एक्स प्लस 15y बराबर, याद रखिएगा इस पांच का गुणा इसमें भी आपको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना 95। साथ ही साथ आप इस दो का गुणा इसमें कीजिए, दो का गुणा करने पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा आपके पास यहां पर 10x, दो का गुणा चार में करने पर कितना हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा आपके पास 74। अब इक्वेशन वन और टू को जो आपने मल्टीप्लाई करके नया समीकरण बनाया उसे घटा लीजिए। अब घटाने के बाद क्या होगा यहां पर देखते हैं, ठीक है, ये माइनस कर लेते हैं यहां पर, माइनस करने पर 10x कैंसिल, 15 में 8 गया, कितना बचा आपके पास यहां पर 7y बचा, यहां इसे माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको 21, और y का मान मिलेगा कितना आपको 3 रुपए, y का मान 3 रुपए, y का मान अगर 3 रुपए है तो x का मान पूछा गया है, तो किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए। अगर मैं इक्वेशन वन को लेता हूं, इक्वेशन वन से, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन वन में क्या करेंगे y का मान रख देंगे, ठीक है, तो यहां पर y का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 3 बराबर 19, ठीक। अगर x की वैल्यू निकालेंगे 3 × 3 = 9 और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहां पर 5 रुपए, तो x का मान मिल गया आपको 5 रुपए और y का मान मिल गया कितना 3 रुपए, क्लियर है क्या। तो एक द्विघाती समीकरण आपको दिया गया था, यहां पर आपको सॉल्व करना था इसको, और सॉल्व करने के बाद x और y का मान निकालना था, सिंपल सा एक प्रश्न यहां पर दिया हुआ था, ठीक है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है सीजी टेट 2019 में पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अपना व्यापार 85,000 रुपए में शुरू करता है और कुछ समय बाद बी जुड़ जाता है, और बी के जुड़ने के बाद यहां पर 42,500 रुपए के साथ जुड़ता है, और वर्ष के अंत में उन्हें 3:1 का लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए बी कितने समय बाद जुड़ा है, ठीक। इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। कभी भी आपकी जो निवेश की गई राशि है, निवेश की गई या जो आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश की गई राशि या इन्वेस्ट की गई राशि गुणा समय या टाइम, जितने समय के लिए आपने अमाउंट को वहां पर निवेश किया था उतने समय को जब आप गुणा करते हैं तो आपको जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। निवेश की गई राशि अमाउंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट या लाभ होता है। इसी फंडे का, इसी लॉजिक का हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, ए ने क्या किया, यहां पर 85,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। अब बताइए 85,000 रुपए से इसने व्यापार शुरू किया तो कितने समय के लिए इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ वर्ष के अंत तक, मतलब 12 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखने वाले हैं। अगर हम बात करें ए की, तो ए ने क्या किया, 85,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 85,000 इन्वेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगा, 12 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा हम बात करें जो बी है वह भी 42,500 रुपए इन्वेस्ट करता है, बट हमें टाइम नहीं पता, तो हम इसे दर्शा देते हैं किससे, टी से, और इसी टी की वैल्यू निकालनी है। जब ये दोनों इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या हो गया, इन्वेस्ट इनटू टाइम, तो बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड में आपको लिखना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, ठीक। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर कितना मिलेगा आपको, इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 0:0 कैंसिल और ये 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपको फाइनल मिलेगा 24 बराबर 3t, और t का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको यहां पर 8 मंथ, ठीक। और ये t किसके लिए आपने अज्यूम किया था, ये अज्यूम किया था आपने b के लिए, तो b जो है 8 महीने बाद उसने क्या किया यहां पर ज्वाइन किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 मंथ, ठीक है। तो आपको पूछा था कि बी कितने समय के लिए यहां पर जुड़ा था, तो 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए क्या हुआ था, यहां पर ए के साथ यह जुड़ा हुआ था, ठीक। ये वाला जो आपका लॉजिक है, ये आपके पार्टनरशिप में भी काम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्वेस्ट इनटू टाइम या निवेश की गई राशि इनटू जो समय होता है, बराबर क्या होता है, हमें लाभ प्राप्त होता है, और लाभ का रेशियो दिया हुआ था उसको राइट हैंड साइड में, और निवेश की गई राशि को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता 4 कॉपियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर व्यापम में आए हुए क्वेश्चन का एक संकलन है जो पूरे प्रॉफिट लॉस में पूछे गए थे, तो प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन है उसे मैं एक साथ सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और आप उसका एक बेसिक भी समझ सके, कॉन्सेप्ट को भी समझ सके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को कभी भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो पहले बारीकी से एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या चीज दी हुई है। तो यहां पर बोलता है 12 कॉपी को बेचकर, यानी कि यहां पर सेलिंग प्राइस की बात की है, 12 कॉपी को बेचकर 4 कॉपियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट या लाभ प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए आपको जैसे कि पता है कि प्रॉफिट या लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये बेसिक चीज है, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, और कॉस्ट प्राइस इसमें क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए 12 कॉपियों को बेचा गया, 12 कॉपियों को सेल किया गया, तो आप बताओ आप कितनी कॉपी खरीद कर लाए होंगे। भाई आपने 12 कॉपी बेची तो आप खरीदे कितनी कॉपी होंगे, आपने 12 ही कॉपी खरीद कर लाई होगी तभी तो 12 कॉपी आपने बेची। ऐसा तो नहीं 2 कॉपी लेकर आए 12 कॉपी बेचे, ऐसा नहीं है। ठीक, आपने 12 कॉपी बेची है अगर तो आपने 12 कॉपी खरीदी भी होगी, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका 12 कॉपियों का होगा और 12 कॉपियों का ही सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आपने क्या किया 12 कॉपियों को बेचा, तो मैं इसे लिख देता हूं 12 SP, क्लियर है, 12 कॉपियों का सेलिंग प्राइस, क्लियर है। ठीक, तो 12 कॉपियों का सेलिंग प्राइस 12 कॉपियों को आपने बेचा, तो 12 कॉपियों को ही तो आपने खरीदा है, तो यहां पर क्या होगा 12 CP होगा। एक कॉपी का अगर 1 रुपए भी अगर CP मान ले तो यहां पर 12 कॉपियों कितना हो जाएगा, 12 CP हो जाएगा। अब आपने जब 12 कॉपियों को बेचा तो आपको लाभ कितना हुआ, लाभ बताया है कि 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 4 कॉपियों के अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ 4 SP हो जाएगा, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, इस फॉर्मेट को लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसा मान लीजिए एक कॉपी का क्रय मूल्य आपके पास कितना था, 1 CP था। ठीक है, तो आपने क्या किया 12 कॉपी का निकाला, 12 कॉपी का, तो 12 कॉपी कितना हो जाएगा भी 12 CP। ठीक है, वहीं अगर आपको पूछा है लाभ कितना हुआ तो लाभ कितने के बराबर हुआ था आपको, 4 कॉपी के सेलिंग प्राइस के, तो 1 कॉपी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए था तो 4 कॉपी कितना मान लिया, 4 SP हो गया, तो प्रॉफिट की जगह हमने क्या कर दिया, 4 SP रख दिया। ठीक, अब सेलिंग प्राइस वालों को एक साइड कर लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस को जब एक साइड करेंगे कितना होगा, इधर ले लेते हैं 12 CP को, ये वहां जाएगा 12 SP माइनस कितना हो जाएगा 4 SP, बराबर कितना मिल जाएगा आपको बताइए, 12 माइनस 4 कितना होगा 8 सेलिंग प्राइस, और इधर कितना हो जाएगा 12 कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो CP बटा SP बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 8/12 हो जाएगा। लिखने का तरीका ध्यान से देखिए भाई, लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पर क्या किया हमने, इस 12 को यहां ट्रांसफर कर दिया और 8 को वैसे का वैसे रख दिया, SP यहां पर और CP यहां पर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसे मैं और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो 4 × 8 और 4 × 12 मतलब कितना हो गया 2/3। अब यहां पर बताइए क्रय मूल्य क्या है, CP कितना है हमारे पास 2 और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है भाई, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, क्रय मूल्य कितना हुआ 2, विक्रय मूल्य हुआ कितना 3, यानी आपने खरीदा 2 में बेचा 3 में, तो बताइए क्या हुआ आपको। तो बोलेंगे सर खरीदा अगर हमने कम में है बेचा ज्यादा में है तो हमको क्या होता है इसमें, लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा बताइए, लाभ प्रतिशत हमको पूछा है क्या, यहां पर देख लेते हैं, प्रतिशत लाभ पूछा है आपको, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना है 3, क्रय मूल्य है कितना है 2, तो यहां पर रख देते हैं 3 - 2 बटा क्या लिख देंगे क्रय मूल्य 2 × हो जाएगा 100, मिला आपको कितना 50% का, ठीक है 50% का यहां पर प्रॉफिट हुआ 50% का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तरीका बिल्कुल ध्यान समझिए, यहां पर जो आपको जो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है वो यही पॉइंट है, इसी पॉइंट को आपको समझना है कि 4 कॉपियों का विक्रय मूल्य जो है लाभ के बराबर है, तो हमने लाभ की जगह में क्या रख दिया 4 कॉपियों का विक्रय मूल्य रख दिया,
और दूसरा पॉइंट जो है कि सीपी क्या लेना है ये नहीं समझ पाते, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपने 12 कॉपी खरीद कर लाए तभी आपने 12 कॉपियों को बेचा, होने वाला जो लाभ है वो 4 एसपी के या 4 विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 4 एसपी। बाकी आपको सिस्टमैटिक जमा लेना है, सीपी अपॉन एसपी कर लेना है, सीपी की वैल्यू 2 मिल जाएगी, एसपी की वैल्यू 3 मिल जाएगी, माने 2 का सामान आपने 3 में बेचा, लाभ कमाया 1 का, और 1 का लाभ किस पर कमाया आपने 2 पर कमाया। डने के यहां तक इतनी चीजें, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन बताइए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है 4:5, आपको पूछता है प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, देखिए बिल्कुल आपको जैसा बोला वैसी लिख लो, यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है आपको, है ना, कितना लिखेंगे भाई 4/5 ही लिख लेंगे, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपका सेलिंग प्राइस। बताइए क्या हो रहा है, पहला चीज यहां से देख के बताइए, 4 का सामान कितने में बेचा आपने, 5 में बेचा, क्या हुआ 1 का मुनाफा हुआ, 1 का जो मुनाफा हुआ या प्रॉफिट हुआ, अभी मैंने पीछे ही एक फॉर्मूला लिखा था, प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, प्रॉफिट बराबर होता है तो सर आप बोलेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है सर, क्रय मूल्य होता है, बटा क्या लिखते हैं हम लोग, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है, ये बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए और नेक्स्ट टाइम आप विदाउट फॉर्मूला उस चीज को डायरेक्ट लिख लें। तो विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, 5 है, क्रय मूल्य कितना है 4 है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा 4 पर निकलता है, तो इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो 1/4 × 100 मिला क्या आपको 25% का लाभ, 25% का इसमें क्या हुआ प्रॉफिट अर्निंग हुआ। बहुत आसान सा प्रश्न है और ऐसे ही आसान प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप भी आप मान के चलिए अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी बिल्कुल तैयारी हम बेहतरीन करवा के रखेंगे, और आप हॉस्टल वार्डन या कोई भी आप उनका एग्जाम देंगे वो जरूर आपसे बनेगा वहां का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर और 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर अगर 60 रुपए है तो उसके हिसाब से हमको कॉस्ट प्राइस बताना है। फिर से मैं आप बात बता दूं, पहली चीज हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ने की आदत डालिए शुरुआत में, क्योंकि आप अगर इनिशियल स्टेज में है तो आपको प्रश्न ही समझने में दिक्कतें होंगी, और अगर प्रश्न ही समझ नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। यहां तो मैं ऑप्शन नहीं रखा हूं, एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर है, ठीक है, बट आपको प्रश्न समझना जरूरी है कि प्रश्न बोल क्या रहा है, और प्रश्न के साथ अगर हमारी चर्चा हो जाए, प्रश्न को अगर हम ध्यान समझ गए तो ऑटोमेटिक आपको सॉल्व कैसे करना है वो तरीका समझ में आना चालू हो जाएगा। चलिए देखिए, क्रय मूल्य क्या हो गया, यानी सीपी आपको पूछा है, सीपी क्रय मूल्य आपको पूछा है, ठीक। क्रय मूल्य को मान लीजिए हम यहां पर एक्स मान लेते हैं, एक्स भी लेकर चल सकते हैं आप, 100 भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है, एज यू आर कंफर्टेबल, मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा, दोनों तरीका आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले क्या हुआ, वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, इतने में आप सामान खरीद कर लाए, और पहले कंडीशन में क्या हुआ कि आपने क्या किया 5% लाभ पर बेचा, तो 5% लाभ पर आप कैसे बेचेंगे, x इंटू 5% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 100 में आप 5% जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा आपको यहां पर 105/100 x में, ठीक, तो यहां पर कितने बेचेंगे आप, x इंटू 105/100 मतलब 105/x में आपने क्या किया, सेल किया, ये हुआ आपका पहला सेलिंग प्राइस, ठीक। सेकंड टाइम क्या हुआ कि आपने 5% लॉस पर बेचा, दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये एसपी 1 नाम दे देते हैं, इसको एसपी 2 बोल देते हैं, विक्रय मूल्य। दूसरे बार में आपने क्या किया कि इसी वस्तु को कितने बेचा भाई, 5% लॉस पर, 100 में 5 कम कर देंगे लॉस मिल जाएगा, 100 में 5 बढ़ा देंगे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर जब लॉस हुआ तो कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 95x/100। इतने पॉइंट क्लियर है क्या, ये हो गया पहला विक्रय मूल्य और ये हो गया दूसरा विक्रय मूल्य, इतना पॉइंट जहां तक आपको समझ में आ गया। अब बोला है कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, देखिए यहां पर लिखा क्या है, दोनों विक्रय मूल्य का, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 60 रुपए है, 60 रुपए,
जो चलिए दोनों को हम घटा लेते हैं। घटाएंगे कैसे, पहला विक्रय मूल्य है आपके पास 105x/100 माइनस दूसरा विक्रय मूल्य कितना है आपके पास 95x/100 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 60 रुपए हो जाएगा। तो 60 में यहां लिख देते हैं ठीक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको 100 एलसीएम मिल जाएगा और यहां पर 105x माइनस कितना होगा 90x बराबर 60 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे यहां पर ये 95 95x ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10x/100 बराबर 60 और x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 60 × 100/10 क्लियर। इसे सॉल्व किए और हमें प्राप्त हुआ 600 रुपए। तो बताइए x आपने क्या माना था, क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 600 रुपए हो गया, 600 रुपए ठीक है। समझ में आया पॉइंट, आपको दो विक्रय मूल्य एक क्रय मूल्य से दोनों को बेचा गया अलग अलग दाम पर, उस केस को बताया गया था 5% एक बार प्रॉफिट एक बार 5% लॉस, दोनों विक्रय के मूल्य का अंतर दिया गया था, अंतर था 60 रुपए, उसके अकॉर्डिंग हमने x का मान निकाल लिया और x का मान कितना हो गया हमारे पास 600 रुपए और 600 रुपए में बेचा गया, यहां पर क्रय मूल्य हमें मिल गया। इतना पॉइंट क्लियर है, पूछा गया एग्जाम है में क्वेश्चन है, ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं बता दूं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे अभी कुछ हफ्तों में आपको सीजी टेट के भी एग्जाम होने वाले हैं और उसके बाद हॉस्टल वार्डन भी कंटिन्यूस में है, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर अभी मौका है कि आप अपने रिवीजन भी कर लीजिए और कुछ चीजें अगर समझ में ना आई हो तो यहां से समझते भी चलिए ठीक। एक और वैसा ही क्वेश्चन है, यहां पर भी 5% लाभ हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है 5% हानि हो रही है ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये दो बार क्वेश्चन वैसा ही आया है, आपका बस क्या हुआ डेटा भर बदला है। एग्जाम में यही होता है कि आपको मेथड सेम मिलेगा बट डेटा राम का मोहन हो जाएगा, मोहन का श्याम हो जाएगा, इतनी ही चीजों को बदला जाता है या नंबर को बदल दिया जाता है, जैसे यहां पर बदला गया। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने बनाया, मान लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या है क्रय मूल्य एक्स है, क्रय मूल्य या जिसे हम क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स रुपए है, एक्स रुपए को क्या किया गया पहले 5% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो पहला विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा बताइए, अभी हमने निकाला था तो पहला विक्रय मूल्य मिल जाएगा आपको 105/x ठीक है, ये है आपका SP1 पहला विक्रय मूल्य। फिर बाद में क्या हुआ आपको लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ भाई, लॉस हुआ बोलेंगे सर 5% का लॉस, इसीलिए हम क्या लिख दिए 100 में 5 कम करके 95/100 लिख दिए, ये आपको मिल गया SP2 या विक्रय मूल्य दूसरा ठीक। बोलता है दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 15 रुपए है, 15 रुपए, तो यहां पर जैसा बोला है वैसे लिख देते हैं, तो यहां पे कर देते हैं 105x/100 माइनस 95x/100 बराबर कितना हो गया हमारे पास 15 रुपए ठीक। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम सेम है तो बराबर 100 हो जाएगा, 105 माइनस 95 कितना हो जाएगा 10x/100 ठीक, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा आपको 150 रुपए, तो 150 रुपए आपका क्या होगा यहां पर क्रय मूल्य होगा जो आपको पूछा गया है 150 रुपए। एक्स का मान कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना मिल गया आपको 150 रुपए ठीक। देख रहे हैं आप डेटा में थोड़ा सा बदलाव, 15 रुपए वहां पे 60 रुपए था, यहां पे 15 रुपए कर दिया और आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। तो आप याद रखिए कि अगर ये दो बार पूछा जा चुका है तो आपको अगले बार भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 10% लाभ पर एक मशीन को 5060 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 4370 रुपए में या 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं बार बार वही चीज पर फोकस करता हूं क्योंकि बच्चे बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्वेश्चन को समझने पर कम ठीक। देखिए क्या करना है इस प्रश्न में, देखिए पहला आप देखिए कि पहले क्या दिया हुआ है आपको, एक प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया है आपको बताइए यहां पर, तो बोलेंगे सर यहां पे 10% प्रॉफिट दिया है और बोलता है कि भाई इसे क्या किया गया 5060 रुपए में बेच दिया गया, मतलब हमें सेलिंग प्राइस भी दे दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया गया, कितना दिया है विक्रय मूल्य 5060 रुपए विक्रय मूल्य दे दिया गया। इन दो चीजों को आप देखकर बताइए,
आपके पास है विक्रय मूल्य, आपके पास है लाभ, तो आपके पास क्या नहीं है इसमें, तो वो नहीं है क्या, क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य सीपी इंटू क्रय मूल्य में क्या होता है, आपको लाभ या हानि दोनों चीजें होती है, तो यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ को कैसे लिखेंगे हम लोग, 100 + 10/100। आप डायरेक्ट 110 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अगर क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य में 10% का लाभ, और लाभ होने के बाद बनेगा क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 5060, ठीक। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, सीपी इंटू 110/100 बराबर 5060 रुपए। तो सीपी का मान निकल जाएगा आपके पास 5060 × 100/110। इसे कैंसिल किए, कैंसिल किए, कितना मिल जा रहा है आपको, यहां पर देखिए ये मिल जाएगा आपको 11 चार बार में, 6 बार में और 0, तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा 4600 रुपए। क्लियर है कितनी चीजें, क्रय मूल्य कितना मिला 4600 रुपए। इतना करने के बाद आप अगली कहानी पर बढ़िए। पहले आपको क्या करना है, पहले लाइन से लाभ और विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य निकाल लिया था, इसके बाद आपको बढ़ना है आगे की तरफ। बोला जा रहा है कि 4370 रुपए में अगर बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, क्रय मूल्य तो आपको मिल गया, तो क्रय मूल्य कितना मिला हमें, सीपी मिल गया हमें 4600 रुपए, 4600 रुपए ये मिल गया। इसके अलावा आप बोला जा रहा है कि हम कितने में बेचना चाहते हैं भाई, सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है, विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है हमें, तो आप बोलेंगे सर हम लोग बेचना चाहते हैं इसे 4370 रुपए में, ठीक। आप ये दोनों डेटा को देखकर बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। सबसे पहला काम आप यही कर लीजिए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर हमने क्या किया, 4600 रुपए में खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, और कितने में बेच दिया, 4370 रुपए में बेच दिया, मतलब हमने क्या किया, 4370 रुपए में सेल कर दिया, विक्रय कर दिया। अगर 4600 के सामान को 4370 में अगर आप बेचते हो तो आपको क्या हुआ, यहां पर घाटा हुआ है, और हमें निकालना पड़ेगा क्या, लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत निकालना होगा। और हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हो जाता है हमारा क्या, क्रय मूल्य बड़ा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, बटा लिख देंगे हम क्या, क्रय मूल्य। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, तो जो जो मान है उसे रख लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 4600 माइनस 4370 बटा कितना हो जाएगा यहां पर 4600, क्रय मूल्य नीचे रख दिए, इंटू 100, ठीक। माइनस करेंगे हम इसे, माइनस करने पर कितना मिल जाएगा आपको, 0 3 2 / 4600, ठीक। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 00 कैंसल, एक बार में ये और दो बार में, तो यहां पर आपको मिलेगा लॉस 5% का, यहां पर आपको हानि कितने की हुई, हानि 5% की हानि हुई। क्लियर है क्या यहां तक चीजें, ठीक। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, प्रॉफिट में क्या हो जाता है, यहां पर प्रॉफिट में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, ठीक। लाभ या हानि याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आप क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, ठीक है यहां तक चीजें। तो आपका लॉस परसेंट निकालना था, लॉस परसेंट हमें कितना मिला, 5% का लॉस। ये भी बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ है, बीएड के एग्जाम में, बीएड का एग्जाम भी जो देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने मिलेंगे भाई। चलिए अगला एक और क्वेश्चन इसे भी देख लेते हैं। एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 82.50 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। अभी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनाया और वैसा ही क्वेश्चन फिर से आपको देखने मिल गया, और मैंने आपको बताया है कि व्यापम आपके लिए प्रश्न तो बनाता है, प्रश्न नए जरूर होंगे बट कॉन्सेप्ट एक टाइप का ही आपको मिलेगा। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो भी एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन भी आपको हॉस्टल वार्डन में पूछा गया, दोनों में फर्क इतना ही है कि नंबर को बदला गया है, बनाने का तरीका सेम टू सेम है। चलिए, तो यहां पर क्या किया गया, एक स्टूल को 67.50 रुपए में बेचा गया, मतलब हमें क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस या
विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 67.50 रुपए विक्रय मूल्य दिया है। और बोलता है भाई इसमें क्या होता है, हमें हानि होती है, हानि कितने का हानि होता है, लॉस कितने का हो रहा है भाई, 10% का लॉस हो रहा है। डन। तो मैंने आपको बताया कभी भी अगर आपके पास विक्रय मूल्य दिया है और लॉस दिया है तो सबसे पहला काम आप क्या कर लो, यहां से कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? तो यहां पर क्रय मूल्य या सीपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू क्या होता है, इसी पर लाभ या हानि होगी। हानि कितने की? 10% की। तो याद रखिए आप शॉर्टकट कैसे करेंगे, 100 में 10 माइनस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे 10 कम मतलब कितना हो जाएगा, 90। 100 में 10 कम किए, 100% में 10% कम किए, कितना हो गया, 90%। तो 90% क्या करना है हमें यहां पर, 10% हानि होने के बाद, ठीक, कॉस्ट प्राइस इंटू 90/100 बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना बन गया हमारे पास, 67.50 रुपए। ठीक, तो यहां से क्रय मूल्य निकाल लेते, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारे पास 67.5 × 100/90। कैंसल आउट कर लेते हैं भाई, ये 00 कैंसल, ये पॉइंट यहां पर 10 में आएगा तो ये 10 भी इसमें 0 में कैंसल हो जाएगा। 9 से इसे काट के देख लेते हैं, 9 इसे काट लेगा, 9 7 = 35 और 4 बचा तो 9 5 = 75। तो 75 रुपीज यहां पर हमें क्या मिला, क्रय मूल्य या सीपी प्राप्त हुआ। इतनी चीजें क्लियर है क्या? यहां पर हमें 75 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अगला काम क्या बचा है कि भाई बोलता है कि 42.50 रुपए अगर बेचा जाए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास मिल चुका है, क्रय मूल्य हमें मिल गया कितना, 75 रुपए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखते चलेंगे, दोनों चीजों फॉर्मेट में आपको लिखा जा रहा है ना, ध्यान समझिए। क्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 75 रुपए। अब बोलता है 82.50 पैसे में इसको बेचा गया, तो 82.5 रुपए में इसे क्या किया गया, सेल किया गया, तो इसे बोल देते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोल देते हैं। क्लियर? तो आप देखकर बताइए, सबसे पहला काम आपको यही ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो बताइए, आपने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, 75 में खरीदा, 82 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ इसमें? आप बोलेंगे सर इसमें डायरेक्ट आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं और निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें कर रहा हूं, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखते नहीं बैठेंगे, आप उन चीजों को थोड़ा सा फास्ट करेंगे और वही आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि किस पर निकालते हैं हम लोग, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 82.5 है, माइनस करना है हमें 75 / क्या कर देंगे, 75 इनटू क्या होगा, 100। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? 82.5 माइनस 75 कितना मिल जाएगा आपको बताइए, 7.5/75 × 100। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर ये पॉइंट हटके यहां पे क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, ये कैंसल, आपके पास कितना मिल रहा है यहां पर, 10%। तो 10% का कितना हो रहा है यहां पर हमें, प्रॉफिट या लाभ हो रहा है, 10% का हमें क्या होगा यहां पर, लाभ होगा। इतनी चीजें क्लियर है क्या? जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको मिलते रहे, कंटिन्यूस आपको जानकारी मिलते रहे। और फिर से मैं बता दूं, ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है आपके लाभ हानि के, पूरे क्वेश्चन को मैं एक साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसे समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए, एक दुकानदार एक किताब पर छपे हुए दाम पर 10% के छूट के पश्चात बेचने के बाद यहां पर 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह बताना है। क्लियर है क्या? ठीक, तो यहां पर देखिए आप, क्वेश्चन जो है, सबसे पहला चीज एक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है। ये क्वेश्चन जो है आपका आधारित है अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य। आपने विक्रय मूल्य के बारे में जाना है, क्रय मूल्य के बारे में जाना है, और तीसरा होता है इसके अलावा अंकित मूल्य। तीसरा हमारे पास क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वह दाम होता है जिस पर दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट या छूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप जो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं या जो विक्रय मूल्य आप जो देखते हैं
उस पर किसी प्रकार का डिस्काउंट कभी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें दुकानदार का क्या छुपा होता है, लाभ छुपा होता है, मुनाफा छुपा होता है। तो आप बताइए कोई दुकानदार आपको मुनाफे में छूट देगा क्या? नहीं, आपको दिया जाता है यहां पर अंकित मूल्य में छूट दी जाती है। तो समझते हैं इसका एक फॉर्मूला और उसको आप ध्यान रखिएगा और उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा। ठीक, देखिए यहां पर आपको बोला गया पहले क्या किया गया, 10% का छूट दिया गया। ठीक, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, मैंने जैसे आपको बताया अंकित मूल्य पर ही आपको छूट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अंकित मूल्य आपको कहीं पर भी नहीं दिया गया। ठीक, अंकित मूल्य पर सबसे पहले 10% की छूट दी गई, तो आप लिखेंगे 100 माइनस जितना भी छूट दिया गया है उसे आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये पहली छूट। ठीक, या आप इसके लिए पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला किस टाइप का रहेगा उसे देख लीजिए। इसके लिए फॉर्मूला ऐसा होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर मार्क प्राइस अंकित मूल्य इनटू जितना भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं 100 माइनस डी बाय 100। क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, एक बार डिस्काउंट दिया गया तो 100 माइनस डी परसेंट डिस्काउंट को आप यहां पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 12% का यहां पर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट या लाभ मिल रहा है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा आपको क्रय मूल्य के बारे में भी पूछा गया है। क्रय मूल्य के बारे में पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहां से, उसके बाद आप क्रय मूल्य की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहले सेलिंग प्राइस को निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस को अगर हम क्या मान लें यहां पर, मार्क प्राइस लिख दें और डिस्काउंट हम ले लेते हैं कितने का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। तो 100 माइनस 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा मार्क प्राइस इनटू 90/100। ठीक, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। इतना पॉइंट क्लियर है क्या, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू 90/100। ये क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस है। अब अगला रिलेशन जो है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच है। तो यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें, क्रय मूल्य की अगर हम बात करें, तो क्रय मूल्य में लाभ या हानि होता है। लाभ कितने का हो रहा है आपको, 12% का लाभ। तो 12% का लाभ को हम कैसे लिखेंगे, 100+12 यानी 112% का लाभ। और लाभ होने के बाद हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। तो यहां पर लिख देंगे क्या हम, सेलिंग प्राइस लिख देंगे। इतना पॉइंट क्लियर है क्या, ये आपका रिलेशन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच। यहां पर रिलेशन हमने देखा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच। तो बताइए यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर क्या है, मार्क प्राइस इनटू 90/100। तो सेलिंग प्राइस का मान हम यहां पर रख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस का जब मान रखेंगे तो सीपी क्रय मूल्य इनटू कितना होगा, 112/100 बराबर एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य इनटू कितना होगा, 90/100। ठीक, आपको पूछा गया है कि क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य सीपी बटा एमपी अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं 90/100 इंटू 100/112। जैसा ऐसा दिया है डेटा वैसा वैसा हम लिख लेते हैं। ठीक, यहां पर पलट गया, ये 0 0 कैंसल, यहां से कितने बार में कट जाएगा, ये 2 से काट लेते हैं, 2 45 बार में, और 2 इसे कितने बार में काट देगा, 5 और 6 बार। ठीक है, तो आपको फाइनल एक रेशियो मिलेगा 45/56। तो यहां पर जो आपको अनुपात देखने मिल रहा है, अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 45:56, 45:56 का यहां पर अनुपात होगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर रेशियो कितना मिलेगा आपको, 45:56। डन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका अंकित मूल्य पर आधारित एक प्रश्न था, और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप के बनाएंगे जिसमें आपको चीजें समझ में आएंगी आगे चलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा
सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन, और उसके बाद क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन। ये दोनों रिलेशन का यूज करके आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यहां पर अनुपात निकालना था, और अनुपात कितना निकला, 45:56 निकल गया। ठीक, चलिए आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा और बच्चों को कंफ्यूज करने वाला, स्टूडेंट कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और हमेशा से यह क्वेश्चन आता रहा है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहे। ठीक है, देखिए, कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए और 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए गए, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए, पहले दिया गया है प्राइस, तो प्राइस जो प्राइस दिया गया है संतरों का प्राइस उसे लिख लेते हैं। तो कितने रुपए में खरीदा गया बताइए, ये सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य खरीदा गया है, यानी कितने रुपए में खरीदा गया है, 10 रुपए में आपने खरीदा, 10 रुपए में आपने क्या किया, खरीदा। और क्वांटिटी की अगर बात करें, कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा, 5 खरीदे, 5 संतरे आपने खरीदे। ठीक है, 10 रुपए में 5 संतरे। इसके अलावा विक्रय मूल्य की अगर बात करें, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई, 15 रुपए। 15 रुपए में आपने क्या किया, 6 संतरे क्या कर दिए, सेल कर दिए, विक्रय कर दिए। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? ठीक, 10 रुपए में 5 संतरे आपने क्या किए, खरीदे, और 15 रुपए में 6 संतरे आपने बेच दिए। डन है यहां तक चीजें? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें करना क्या होता है, उसे ध्यान से देखिए। ठीक, डायरेक्ट मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसे ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें आपको 10 रुपए में 5 की दर से और 15 रुपए में 6 की दर से, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, 6 का 10 में और 5 का 15 में, इस प्रकार का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर देखिए कितना होगा, 6 × 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 60 रुपए, और यहां बताइए कितना हो जाएगा, 15 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 75 रुपए। ठीक, अब बताइए 60 रुपए में आपने क्या किया, वस्तु को क्रय किया, और 75 रुपए में आपने क्या किया, वस्तु को बेच दिया। तो 60 का सामान कितने में बिका, 75 में, तो हुआ क्या इसमें, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया है प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 75 है, 60 में हमने खरीदा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमेशा क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, तो बटा क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, × 100। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15/60 × 100 बराबर हो जाएगा कितना आपके पास, 25%। तो यहां पर लाभ कितना कमाया गया, 25% का लाभ इसमें दुकानदार ने कमाया संतरों पर। ठीक है, 75 − 15 और 15/60, 15 × 60 करेंगे और ये 25% आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आया वाला पॉइंट, कैसे बनाना है, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना और इसमें मल्टीप्लाई करना, आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।